जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, चिनीगाम और मोदरगाम इलाके में एनकाउंटर, 4 आतंकी मारे गए, 2 जवान शहीद। न्यायिक आयोग ने 23 की हाथरस भगदड़ की जांच, मुख्य आरोपी मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, नवे आरोपी राम प्रकाश शाक्य को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। गुजरात के सूरत में 6 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, अब तक 7 लोगों की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उड़ीसा के पुरी में आज धूमधाम से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, 3 रथ श्री मंदिर के सिंह द्वार पर तैयार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी समारोह में होंगी शामिल, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त, सीएम भूपेंद्र पटेल और गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने भी रथ खींचने में लिया हिस्सा। आम बजट की तारीख का हुआ ऐलान, 23 जुलाई को लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का बजट सत्र। मैदान से पहाड़ों तक सैलाब का सितम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां, आज भी भारी बारिश का अलर्ट, 4 धाम यात्रा 1 दिन के लिए स्थगित। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शुभमन गिल की कप्तानी में हुई, पहले मैच में टीम इंडिया को 13 रनों से करना पड़ा हार का सामना, 115 रन के जवाब में 102 रन पर सिमटी टीम इंडिया।